कई जगह प्लास्टिक से नालियां चोक होना, वाटर रिचार्ज नहीं होता जमीन में, गायें प्लास्टिक थैलियों को खा के मरती है, जो ऑपरेशन होता है करीब लगभग 250 से 300 गायें पर डे, जिसमें 15 से 25 किलो पॉलीथीन पेट में निकल रही है। उसके लिए आपकी अभी जो संस्था मैसेज भी एक बहुत अच्छा काम कर रही है। आने वाले समय में इको फ्रेंडली के माध्यम से ये कैरी बैग जो बंद हुए उसकी जगह दूसरे बैग जैसे जूट कपड़े के ये बांटने का काम करेगी। एक बहुत अच्छा काम ये संस्था कर रही है। मैं इस मौके पर इस संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करूंगा और आम लोगों में सहभागिता जन जागृति बढ़ाने का जो ये काम संस्था कर रही है उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे, तो जो मुख्यमंत्री गहलोत साहब की जो सोच है इन्वायरमेंट, आज पूरा कंट्री जिस तरह तकलीफ है आने वाले समय, आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये कोई राजनीतिक मामला या वोट का मामला फैसला नहीं है। ये आम जन का हर धर्म, हर जाति, हर कौम, पशु पक्षी से लेकर आदमी मानव तक सभी के काम आने वाला ये फैसला गहलोत साहब ने व्यक्तिगत स्तर पर इन चीजों को खुद मॉनिटरिंग करके लिया है। इसमें सभी लोग अगर सहभागिता से भाग लेंगे निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी।